हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द एनीवेवम। दरअसल मैं काफ़ी समय से एक यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहता था लेकिन मुझे कोई किक नहीं मिल रही थी। कैसे स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, और सबसे बड़ा सवाल कि नाम क्या रखूं। सो एज एनिमे लवर मुझे एनिमे देखना काफ़ी पसंद है और उस पर डिस्कशन करना तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि यार एक एनिमे यूट्यूब चैनल ओपन किया जाए ताकि आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। खैर तो चलो एक बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो हाल ही में एक महीने पहले मापा ने अपनी हाइप मशीन मार्केट में लॉन्च कर दी है और मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बैड ऐस है। मैंने सोचा था कि चेंसो मैन का फर्स्ट सीजन कंप्लीट होने के बाद ही इसे विंज वॉच करूंगा, लेकिन मैं जब भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे एडिट्स देखने के लिए मिलते हैं और मैंने सोचा कि यार अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं देखना चालू कर देता हूँ। तो फिलहाल मैंने पहला एपिसोड देखा है और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि मापा इज ऑल गोइंग आउट विद दिस पावरफुल प्रोजेक्ट। एनिमेशन की बात करें तो आई मस्ट से एनिमेशन डिपार्टमेंट ने बेंचमार्क परफॉर्मेंस दी है। सीजी की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि सीजी 2D के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। कई जगह नोटिसेबल ज़रूर है लेकिन उससे एक अच्छा आर्ट स्टाइल क्रिएट होता है। तो शो की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जेंजी के साथ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है सिवा एक प्यारे से डेविल डॉग के जिसके सर पे चेंसो है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि एनीमे में जो हमें पोचिता का डिज़ाइन दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जापान में एक चेंसो कंपनी मार्केटर से, और ये दोनों कहीं पहाड़ी पे दूर एक टूटी फूटी सी जगह में रह रहे हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और सूखी ब्रेड खा के अपना जीवन जी रहे हैं। शो में हमें बताया गया कि एक ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि उसे अपने पिताजी का कर्जा उतारना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा है। कर्जा उतारने के लिए उसने अपनी एक आंख, एक किडनी और एक नट बेच दिया है। ओह माय गॉड, सैड लाइफ। तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इन सभी चीजों के बावजूद डेंजी का एक ही सपना है कि वो किसी एक लड़की के साथ राजा जी बड़ा हरामी हो बेटा। तो एक दिन एक रात को अरे कहना क्या चाहते हो, एक रात को डेंजी को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने सपनों के बारे में पोचिता से कह रहा होता है कि वो किसी एक लड़की के साथ वीडियो गेम्स खेलना चाहता है, डेट पर जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। और तभी एक ओल्ड मैन दरवाजे पे टक करता है और डेंजी से कहता है कि एक काम है, और वो निकल पड़ते हैं ओल्ड मैन की गाड़ी में। तभी वो एक सुनसान फैक्ट्री में जा रहे होते हैं और कोई बंदा पीछे से आके डेंजी और पोचिता पे हमला कर देता है। तभी पता चलता है कि ये एक ओल्ड मैन की चाल थी और वो चाहता था कि उसकी जो गैंग है याकुजा वो और ज़्यादा पावरफुल बने, इसलिए उसने एक डेविल से डील करी जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। और तभी पता नहीं अचानक से कई सारे जॉम्बीज आ जाते हैं क्योंकि जो डेविल था वो एक जॉम्बी था, तो वो उसके पास ये शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान को जॉम्बी बना सकता है और वो डेविल हंटर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, नहीं चाहता कि कोई भी डेविल हंटर इस दुनिया में जिंदा रहे, और डेंजी पर हमला कर देता है। जब जॉम्बीज डेंजी को बुरी तरीके से मार रहे थे तो डेंजी अपने आप से यही कहता है कि मुझे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, मुझे तो एक नॉर्मल जिंदगी जीनी थी और वो भी मेरे नसीब में नहीं था। ज़ॉम्बीज डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके कचरे के ढेर में फेंक देते हैं और डेंजी की तो मौत हो चुकी होती है और पोचिता भी बस मरने ही वाला होता है, लेकिन डेंजी के मुंह से खून गिरने के बाद पोचिता के मुंह में जाता है। और जिसे शो में बताया गया था कि डेविल अगर किसी इंसान का खून ले लेते हैं अपने अंदर तो वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पोचिता डेंजी के साथ इन्फ्यूज्ड हो जाता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, वायलेंस लाइक्स मी। ज़ॉम्बी डेविल को मारने के बाद हमारे डेंजी की हालत बहुत बुरी हो जाती है और सुबह होते ही एक गाड़ी आकर वेयर हाउस के बाहर रुकती है और उसमें से 3 डेविल हंटर बाहर निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों लाशें बिखरी पड़ी हुई है और बीच में एक डेविल हंटर खड़ा हुआ है जो कि खून से लथपथ है और बहुत बुरी हालत में। तभी माँ के दो असिस्टेंट कहते हैं कि ये भी कोई डेविल है तो हमें इसे भी मार देना चाहिए, लेकिन माँ की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो वो पता लगा लेती कि ना तो ये कोई ह्यूमन है ना तो कोई एक डेविल है।
और बाद में पता चलता है कि वो भी जॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे। माकिमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो हम तुम्हें डेविल समझकर मार दे, या तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह मेरा वफादार बनना पड़ेगा। तभी डेंजी का एक ही सवाल होता है कि नाश्ते में क्या मिलेगा। माकिमा कहती है कि तुम्हें ब्रेड, कॉफी वगैरह वगैरह सब मिलेगा। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, इसलिए वो माकिमा की शर्त को मान लेता है और उसका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे मानना पड़ेगा पहले ही एपिसोड में मापा ने काफी अच्छा काम किया है। वैसे मुझे तो पहला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया, चाहे वो एनिमेशन हो, कैरेक्टर्स हो, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो खैर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, अपना फीडबैक शेयर करना कि कैसा लगा वीडियो, अगर क्या नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताना ताकि मैं आगे वीडियोज में इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो आगे भी वीडियोज आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।